भ्रष्टाचार उसे खत्म करना था, आपने कुछ नहीं किया। तुम्हारे दिमाग में वही गंदगी भरी है, हिंदू राष्ट्र वाली, हिंदुत्व वाली जो बात है। यही लोग हिंसा कर रहे हैं, यही लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, यही लोग मोटरसाइकिल स्कूटर तोड़ रहे हैं, यही लोग घरों में घुस घुस के दरवाजे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं। ये सारी आतंकवादी सरकारें भाजपा की और आरएसएस की गुंडागर्दी हमेशा नहीं रहती, खत्म होती है। उसमें जितनी सड़ांध भरी हुई है उसी तरह की वो बातें करेंगे, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो वही देशभक्त हैं। इन्हें भी ये समझ में होना चाहिए, हिटलर जैसे जिसकी नीति पर तुम चल रहे हो, जिसकी नीति पर चलकर नाजीवाद की तरह यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगी इस देश की जनता। तुम्हारे मन में कितनी गंद भरी हुई है, कितनी सड़ांध भरी हुई, जिसके तहत तुम ये सारे के सारे काम कर रहे हो। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आते हैं। सर, नारा चला है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, पर गिरफ्तारियां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ की जा रही है, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस भाषण को हर जगह वायरल किया जा रहा है और जो सच बताई जा रही है उन लोगों को दबाया जा रहा है। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी की और वर्तमान केंद्र सरकार की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इनकी, ये बहुत सोची समझी सी साजिश के तहत ये सारी बातें हैं। किन्हें गद्दार बता रहे हैं? जो लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एक गलत कानून के खिलाफ, एक गलत कानून जो और आप लाने वाले हो उसके खिलाफ, आपकी जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप जो है मतलब देश के गद्दार बता रहे हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनकी मानसिकता है, इससे ज़्यादा उम्मीद उनसे रखी नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी सोच है, जैसी सोच है, उसमें जितनी सड़ांध भरी हुई है उसी तरह की वो बातें करेंगे। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो वही देशभक्त हैं, क्योंकि तुम देश को जो है उस आग में झोंकना चाहते हो जो सांप्रदायिक दंगों की आग है, जो इस देश में जातिवाद की जो आग है, और इस एनआरसी के नाम पे, क्योंकि तुम दे तो सरकार इसको लोगों को कुछ नहीं सके, हर जगह तुम फेल हो, कोई तुम्हारी नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, जो तुम्हें काम करने चाहिए थे सरकार के नाते, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जो तुमने वादे किए थे, उन सबको खारिज करके अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए और तुम्हारे दिमाग में वही गंदगी भरी है, हिंदू राष्ट्र वाली, हिंदुत्व वाली जो बात है, वो सारी की सारी जिसे तुम लागू करना चाहते हो उसके विरोध में लोग सड़क पे हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पे हैं, जाति धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर सड़क पे हैं, स्टूडेंट सड़क पे हैं। आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हो, देश के गद्दार कह रहे हो। देश के गद्दार वो नहीं है, असली देश के गद्दार तुम हो, जो उन लोगों को, जो देशभक्त लोग हैं, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें आप गद्दार कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अपनी रैली से इनके उनके कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि उनके कपड़ों से पहचान लिया जाता है कि कौन दहशतगर्द हैं, और अब रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके हाथों में तिरंगा देख करके सुकून मिलता है, तो कैसे देख रहे हैं जो देश के मुसलमानों को इनके उनके करके देश के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं? तो इसे तो इस तरह से भी कहा जा सकता है। देखिए, पहले मैं कह चूंगा, देश का प्रधानमंत्री झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। पता नहीं क्या खाया है उसने या क्या खाता है कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक उठता है और जब तक सोता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। जो रैली में भी बोला है उसने, अगर कपड़े से पहचानने वाली बात है तो कपड़े तो तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे उन्हीं कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि देश के असली आतंकवादी कौन है, ये सबको पता है। देश को आप दंगे की आग में झोंकना चाह रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से देश को चलाना था, देश के आर्थिक स्थिति को बढ़िया करना था, लोगों को रोजगार देने थे, महिलाओं को सुरक्षा देनी थी, किसानों की आय दुगनी करनी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, और काला धन वापिस लाना था, आपको जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करना था। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने दंगा फैलाए हैं, और अब इतनी बुरी तरह से, और इसके पीछे की जो आपकी साजिश है, जो समझ में आती है कि अभी आपने 60 करोड़ से ज्यादा रुपए डिटेंशन कैंप के लिए आसाम में किए हैं और 35 से ज्यादा कैंप आप कर्नाटक में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, आसाम में तुम्हारी सरकार, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार, तो यही खेल वहां भी चल रहा होगा, हो सकता है यूपी में भी हो, कहीं ना कहीं इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि कोई बिल्डिंग जो बन रही है या कोई बिल्डिंग इन्होंने पॉइंट आउट की है कहां उसको डिटेंशन कैंप बनाने के। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, और मैं कहूं कि ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों की जहां सरकारें हैं, वहीं पर देश की भोली भाली जनता के खिलाफ ये सारे दमन चक्र चल रहे हैं। लेकिन इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि लोग
अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिस जन आंदोलन की जरूरत थी वो जन आंदोलन आज देश में बराबर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और मजबूत होता चला जा रहा है। और इस जन आंदोलन की आंधी में ये सारी आतंकवादी सरकारें, भाजपा की और आरएसएस की, ये जो मानसिकता वाले जो लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, इन सबका उखड़ना निश्चित। उत्तर प्रदेश में एनआरसी सीए को लेकर के हालत बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि लगभग खबरें आ रही हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पूर्व आईजी भी हैं, एसआर दारापुरी साहब, सदफ अशरफ हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन लोगों को उठा करके बंद किया जा रहा है और सीधा देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जा रहा है, पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही जो गोली चला रहे हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा है। नहीं, वो तो उनके अपने आदमी हैं, उन पे क्यों कार्रवाई करेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक व्यक्ति जो साधु के भेष में है, अब एक मटका जो साधु रहा है, मुखिया रहा है, आज वो दुर्भाग्य से देश का, प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आज भी भगवा चोला पहनता है और वो ये भाषा बोलता है कि बदले की कार इनसे बदला लिया जाएगा। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। अरे मुख्यमंत्री बदला लेगा, प्रधानमंत्री बदला लेगा, तुम्हें तो हर किसी को बचाने की, हर किसी को सुरक्षा देने का काम करना था, उसकी भलाई के, बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करना था, और तुम बदले की बात करो तो पता लगती है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम्हारे मन में कितनी गंद भरी हुई है, कितनी सड़ांध भरी हुई, जिसके तहत तुम ये सारे के सारे काम कर रहे हो। और जिनका मैंने पहले भी कहा कि जो लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट किया है, अभी तक सरकार के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं कि इन सारे लोगों ने किसी तरह का भी इनिशिएट किया हो हिंसा में, जबकि लगातार इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि जो हिंसा है पुलिस में, पुलिस की ड्रेस पहन के, ये ऊपर से जैकेट पहनी हुई और नीचे जींस वगैरह है, वो वही लोग हैं, या तो आरएसएस के गुंडे हैं या बीजेपी के गुंडे हैं, और इन्होंने पुलिस में घुस के और पुलिस के साथ षड्यंत्र करके, साथ में है उनके, मिले कंधे से कंधा मिला के, यही लोग हिंसा कर रहे हैं, यही लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, यही लोग मोटरसाइकिल स्कूटर तोड़ रहे हैं, यही लोग घरों में घुस घुस के दरवाजे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं। आपने देखा हो कितनी ही वीडियो सरगी हो रही है, यही वो लोग हैं जो गोलियां चला रहे हैं। अपनी सर्विस, तुम्हारे पास में सर्विस रिवॉल्वर है, अपनी सर्विस राइफल है आपकी, अगर कोई दंगाई है तो उससे चलाओ ना आप गोलियां, क्यों नहीं चला रहे आप उससे, क्यों प्राइवेट उनसे चला रहे हो आप, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, कट्टे हैं, उनसे आप गोलियां चला रहे हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि ये गोलियां पुलिस ने नहीं चलाई, किसी और ने चलाई हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, हर किसी के सामने है, इनका चेहरा चाल चरित्र सबके सामने आ गया है, और ये पूरी तरह से गुंडों की सरकार है और गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन कोई भी गुंडागर्दी हमेशा नहीं रहती, खत्म होती है। इन्हें भी ये समझ में होना चाहिए, हिटलर जैसे जिसकी नीति पर तुम चल रहे हो, जिसकी नीति पर चलकर नाजीवाद की तरह यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगी इस देश की जनता। इस देश की जनता बहुत समझदार, और तुम्हारे बस की नहीं है, सैलाब को संभाल पाओ, बेहतर है समय रहते बंद कर दो, और ये जो कर रहे हो इसको खत्म करो, सुधारो इसको। सर, 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और इसी के साथ साथ एक 8 साल के बच्चे की भी मौत की खबर आई है कि उसे बीमार डाला गया है, और इसी पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर संपत्ति को नुकसान किया तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि संपत्तियों को नुकसान मत जलाओ, अगर जलाना है तो मुझे जला दो। नहीं, कौन कर रहा संपत्ति को नुकसान, बात सवाल यही है ना कि संपत्ति को, वो 8 साल का बच्चा जो मार दिया गया, क्या वो संपत्ति को नुकसान कर रहा था, या और जो लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो लोग जो है संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्या सबूत है सरकार के पास, जो सबूत सामने आ रहे हैं वो तो सरकार के खिलाफ है, वो तो पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो पुलिस ही तोड़फोड़ कर रही है हर तरफ जहां जैसे भी है, कोई भी अभी तक इस तरह का प्रूफ नहीं आया है कि जिन लोगों की संपत्ति जब्त की गई है, या मुजफ्फरनगर में जिन लोगों की दुकानें बंद की गई, उनका जरा सा भी हाथ हो, कोई वीडियो तो नहीं है। सरकार सबूत तो दिखाएगी ना, आप अपनी बात जो कह रहे हो उसको सिद्ध करने के लिए सबूत दिखाओ, आप वो कोई भी सबूत आपके पास नहीं है, जितने भी सबूत हैं, जितने भी वीडियो हैं आपके खिलाफ हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, और सरकार और आरएसएस बीजेपी के गुंडे मिलकर ये सारा का सारा खेल कर रहे हैं। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। सीए एनआरसी पर जो सरकार मिलकर के जनता के साथ खेल कर रही है, उसे समझना आज के दौर में बहुत जरूरी हो चुका है।